हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो एनिमल न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हमने लेक्चर्स या वीडियो देखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अब तक के एग्जाम्स में आए हैं या ACF में आए हैं, या फिर जिन ऐसे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस है, इन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अटेम करने हैं क्वेश्चन, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन जो है मैक्सिमम करेक्ट हो, हमको निगेटिव मार्किंग से भी बचने हैं। तो इसके बेसिस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं ACF में, जो दो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें, पहले हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है अब तक के, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स स्त्रावित होता है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लूकेगॉन हार्मोन स्त्रावित होता है। ऑप्शन इसमें मिल सकता है, इसमें एसिनस, दूसरा ऑप्शन मिल सकता है बीटा सेल, तीसरा ऑप्शन मिल सकता है अल्फा सेल्स, एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिल सकता है इसमें डेल्टा सेल। तो इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स स्त्रावित होता है, या ये पूछ सकते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन्स रिलेटेड होता है। ऑप्शंस में ये चार ऑप्शन, या इसमें से किसी एक ऑप्शन को चेंज करके कोई दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन्स की। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स है वो स्त्रावित कहाँ पे होता है, कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है, ये याद होनी चाहिए। तो जैसा कि हम बात करते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन्स की, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पैनक्रियास से रिलेटेड है, अग्नाशय से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अग्नाशय या पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। इसके बेसिस पर इसको हम हेटरोक्राइन वर्ड यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगर पैनक्रियास की हार्मोनल सिस्टम की, तो जो हार्मोनल वाला पार्ट रहता है वो एंडोक्राइन कहलाता है, और जो एंजाइम या प्रकीर्णव स्त्रावित करने वाला पार्ट होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सोक्राइन। तो सिंपल पहले तो यही याद रखिएगा, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी हार्मोन सिक्रेट करता है और बाह्यस्रावी जो रहता है प्रकीर्णव का स्त्रावण करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है इस पे फोकस करते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, इसका ये मतलब है डेफिनेटली ये बात कर रहा है किसकी, अंतःस्रावी भाग की, एंडोक्राइन की। तो पैनक्रियास में अगर हम एंडोक्राइन की बात करते हैं, इसके लिए स्पेशल तीन तरह की सेल्स पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल्स पाया जाता है, एक बीटा सेल्स पाया जाता है, और एक डेल्टा सेल्स पाया जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स की, तो हमको पता है अल्फा सेल्स जो रहता है ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, जैसा कि हमने एक लास्ट वीडियो जो है उसमें देखे हुए हैं ग्लैंड वाले में। बीटा सेल्स जो रहता है वो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करता है, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जो है इनका स्त्रावण करते हैं। तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सीधे सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है ग्लूकेगॉन हार्मोन, और ग्लूकेगॉन हार्मोन जो रहता है ये कहाँ से स्त्रावित होता है, अल्फा सेल से। अगर यहाँ इंसुलिन होता तो इंसुलिन के लिए आता बीटा सेल्स, अगर यहाँ पर क्या होता सोमैटोस्टैटिन तब आता डेल्टा सेल्स। इसी तरह से अगर हम बात करें हार्मोन की जगह यहाँ पर एंजाइम दिया होता तो एंजाइम के लिए फिर हम किसका यूज करते, एसिनस का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना था। सेकेंड एक क्वेश्चन हम बात करते हैं इसमें जो हम लोगों को देखना है, ये है जो हम बात कर रहे हैं इसमें हार्मोन्स जो था इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट एंजाइम्स की बात करते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है इसकी फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो अच्छा क्वेश्चन जो है ये इस तरह से है, टाइलिन नाम है, ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है PSC में। एक्चुअल में टाइलिन जो रहता है उसको हम इन नाम से भी रिलेटेड कर सकते हैं, इसका pH वाला भी क्वेश्चन आता है तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन में आए उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टाइलिन नाम है। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है ये एक प्रोटीन है,
दूसरा हम बात करते हैं यहां पर यह है एक एंजाइम का पार्ट है, तीसरा पार्ट दे सकता है यह एक हार्मोन्स है, ठीक है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन हम बात कर रहे हैं यहां पर दे सकता है इसमें कोई भी एक एंजाइम्स को भी ऐड कर सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं एंजाइम ना देकर एक जो श्लेष्मा होता है म्यूकस, म्यूकस श्लेष्मा बोलते हैं, ये इस तरह से चार ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। अब टाइलिन, फिर से वही बात, अगर हमको कंटेंट याद रहेंगे इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो याद रहेगा तो क्वेश्चन इजी सॉल्व होगा। तो जैसा कि हम बात करते हैं टाइलिन की, टाइलिन जो रहता है यह एक एंजाइम्स होता है जो स्लाइवा में उपस्थित होता है, लार में उपस्थित होता है, तो इसके बेसिस पर हम बात कर सकते हैं, यहां पर बहुत ही सिंपल अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइलिन जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक एंजाइम्स है जिसका पीएच हम बात करते हैं 6-7 के बीच में रहता है, या एग्जैक्ट वैल्यू 6.7 लेते हैं, इसमें बहुत सारे बुक में 6.8 दिया रहता है, तो याद रखिएगा कभी कभी इसका पीएच पूछता है, टाइलिन जो एंजाइम है इसका पीएच कितना होगा, क्या होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन, या टाइलिन जो है सिक्रीट कहां पर होता है, तो याद रखिएगा ये हमारे मुख गुहा में सिक्रीट होता है। कभी कभी इसका फंक्शन पूछता है, टाइलिन का फंक्शन क्या है, तो टाइलिन का फंक्शन हम बात करते हैं ये क्या करता है, जो पॉलीसेक्राइड्स रहता है उसको डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये इस तरह के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो याद रखिएगा, टाइलिन जो है इसका पीएच पूछ सकता है, कहां पर सिक्रीट होता है ये पूछ सकते हैं, और इसका फंक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है एसीएफ में, ये है थर्ड क्वेश्चन, एबोमेशम खंड है, या फिर हम बात करते हैं एबोमेशम पार्ट है या भाग है। तो अब इसमें एबोमेशम वाले में क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं हमको, एक ऑप्शन मिल सकता है इसमें लंग्स का, सेकेंड इसमें ऑप्शन मिल सकता है किडनी का, थर्ड ऑप्शन मिल सकता है इसमें स्टोमक का, और फोर्थ ऑप्शन इसमें मिल सकता है हमको इंटेस्टाइन का, क्लियर है। इस तरह से इसमें कुछ भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को याद रखना है, सबसे पहले तो ये एबोमेशंस के रिलेटेड जो हम एक वीडियो देखे हैं जिसमें हम बात करते हैं रुमिनेंट स्टोमक की, रुमिनेंट स्टोमक मतलब हम बात करते हैं रोमांथी अमाशय की, रोमांथी अमाशय जो है वो किसमें पाया जाता है, जो ग्रेजिंग एनिमल है चरने वाले जंतु जो है उसमें पाया जाता है। तो ग्रेजिंग एनिमल में हम बात करते हैं इनकी अमाशय जो रहता है मनुष्य की अमाशय से कुछ डिफरेंट रहता है या अलग टाइप के होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्टोमक जो रहता है ये चार भागों में डिवाइड होता है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम और एबोमेशम। तो इन चार में से हम बात करते हैं ये जो पार्ट है वो एक्चुअल में किसका भाग है, अमाशय का, जिसमें हम बात करते हैं रुमेन और रेटिकुलम में क्या होता है, कुछ सहजीवी या सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं ओमेशम की, तो ओमेशम जो रहता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जो फूड मटेरियल वहां रहता है उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है। लास्ट बात करते हैं एबोमेशम की, तो एबोमेशम जो है ये स्टोमक का लास्ट पार्ट होता है जहां पर पेप्सिन का सिक्रीशन होते हैं। चूंकि यहाँ पेप्सिन का सिक्रीशन हो रहा है इसलिए इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, वो है ट्रू स्टोमक, सत्य अमाशय वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, निम्न में से कौन सा भाग है जो सत्य अमाशय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें चार पार्ट जो है वो चारों ऑप्शन दे सकते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम और एबोमेशम। तो याद रखिएगा इसमें ट्रू स्टोमक का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें कौन सा आएगा, एबोमेशम आएगा, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है। तो या तो ट्रू स्टोमक वाला दे सकता है या कौन सा पार्ट नहीं है करके तीन के साथ कोई दूसरा ऑप्शन दे सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, सिंपल है, ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन इसमें देखना है जो आया हुआ है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोलेज है, ऑप्शन मिलेगा यहां पर किरेटिन, सेकेंड हम बात करते हैं यहां पर आ जाएगा पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन इसमें मिल सकता है किरेटिन के बाद
विटामिन का भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें जो दिया रहता है कुछ उत्सर्जी पदार्थ ऐड कर सकते हैं, जैसे उत्सर्जी पदार्थ में काइटिन वगैरह का दिया रहता है, काइटिन दे सकता है, और उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया वगैरह या आर्निथिन का दिया रहता है। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा हाइड्रोलेज है दिया हुआ है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हो, ASE लिखा हो, इसका मतलब होता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, एंजाइम के बात कर रहा है, प्रकीर्व की बात कर रहा है। तो एंजाइम जो रहता है जो भोजन के पाचन में सहायता करने वाले हैं, ऐसे एंजाइम जो है उनकी क्वेश्चन है। अब अगर हाइड्रोलेज वर्ड दिया हुआ है तो ऐसा एंजाइम जो जल अपघटन के द्वारा भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करने वाले हैं, ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिस। मतलब जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा जल अपघटन के द्वारा भोजन का क्या करे, डाइजेशन करे। तो याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है वो सामान्यतः जल की सहायता से भोजन का क्या करता है, ब्रेकडाउन्स करते हैं। इसलिए सारे एंजाइम को कॉमनली या सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेस एंजाइम बोलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, हमको इसमें केवल हाइड्रोलेस बताना है, मतलब ऐसा जो भोजन के पाचन से रिलेटेड हो या जो भी प्रकीर्व है। तो देखिए, सबसे पहले केराटिन, केराटिन ये क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हेयर में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है, अभी हम एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोटीन तो नहीं आएगा। सेकेंड हम पेप्सिन की बात करते हैं, पेप्सिन जो है ये क्या है, प्रकीर्व है जो स्टोमक से स्त्रावित होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता करता है। काइटिन ये जो रहता है क्या होता है, कीटों के जो बाहर पाया जाता है प्रोटीन, जो उनका स्केल बोलते हैं ये है। और आर्निथिन, आर्निथिन जो है ये यूरिया का कंपाउंड है, नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल है। तो इसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, इसमें से प्रकीर्व कौन सा है, पेप्सिन है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, पेप्सिन आएगा। क्लियर है, हमको केवल इस क्वेश्चन में क्या देखना था, ये वर्ड को हाईलाइट करना था, ASE को। ASE मतलब होता है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, प्रकीर्व के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक विटामिन के से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एंटी हीमोरेजिक है, मतलब प्रति रक्त स्त्रावी बोलते हैं, है ये क्वेश्चन ने दिया होगा। तो पहला इसमें ऑप्शन कुछ भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, पेप्सिन हो सकता है, दूसरा इसमें दे सकता है विटामिन के दे सकता है, तीसरा इसमें दे सकता है विटामिन ई दे सकता है अगर उसको कंफ्यूज करना हो, या फिर इसमें दे सकता है कुछ और बाइल वगैरह का दे सकता है, ये इस तरह से कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, निम्न में से कौन सा एंटी हीमोरेजिक है। एंटी हीमोरेजिक मतलब जो क्या करता है, ब्लड की जो प्रवाह है या रक्त का स्त्रावण है उसको रोकने का काम करता है, मतलब जो थक्का जमने का काम करता है। अगर थक्का जमाने का काम कर रहा है तो हीमोरेजिक, और अगर थक्का की जो जमने है उसको रोकने का काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो अगेंस्ट के लिए हम एंटी वर्ड यूज करते हैं, प्रतिवर्ड। तो जो रक्त का थक्का बनाने हैं उसको हीमोरेजिक, जो थक्का बनने से रोकने का काम करेगा मतलब उसको डिसॉल्व कर देगा उसको बोलते हैं एंटी हीमोरेजिक। तो अब यहां से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्रति रक्त स्त्रावी की बात कर रहे हैं, मतलब जो क्या करता है, रक्त का थक्का जमने से रिलेटेड है या स्कंदन से रिलेटेड है। तो निम्न में से एंटी हीमोरेजिक मतलब रक्त स्त्रावी को जो रोकने का काम करता है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आंसर जो है वो इसी के बेसिस पर आएगा, एंटी हीमोरेजिक ना रक्त स्त्राव रोधी। तो इसमें आंसर आएगा विटामिन के आएगा, ठीक है, विटामिन के जो रहेगा एंड रक्त स्त्राव रोधी का काम करता है। अब रक्त स्त्राव रोधी का काम, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं विटामिन के लिए दिए रहते हैं ये कैसे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना,
कैसे दिया है, मतलब यहां पर हम जनरली पढ़ते हैं विटामिन के जो रहता है ये क्या करता है, ब्लड के कॉगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब रक्त का थक्का जमाता है ये इस तरह से। तो ये रक्त स्त्राव रोधी, मतलब वही है रक्त के जो स्त्राव है वो क्या करेगा, रोक रहा है, तभी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रक्त स्त्राव रोधी बोल रहे हैं, ये प्रतिरक्त नहीं, इसको रक्त स्त्राव रोधी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये इस तरह से रोधी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जो रक्त के स्त्रावण को रोकने का काम, वही कॉगुलेशन बना रहे हैं। सिंपल हम बात करते हैं थक्का, जो थक्का जमाने का काम करे, तो थक्का जमाने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है, क्लियर है, इस तरह से इसको भी बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें आया हुआ है जो प्लांट से रिलेटेड है, इसकी बात कर रहे हैं, तो प्लांट से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से आया हुआ है ये हम बात कर रहे हैं। देखिए प्लांट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें आया हुआ है जो सिम्बायोटिक का जो क्वेश्चन है, सहजीवी पोषण वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आया हुआ है। तो सहजीवी पोषण वाले में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा शैवाल एल्गी के साथ सहजीवी रूप में पाया जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कंटेंट में हम लोगों को जो ऑप्शन मिला है उसकी बात करते हैं। पहले एक ऑप्शन मिला है इसमें पाइनस, दूसरा ऑप्शन मिला हुआ है साइकस, तीसरा ऑप्शन मिला हुआ है इसमें टेरिस, और चौथा ऑप्शन मिला हुआ है इसमें मैंगो का, ये इस तरह से चार ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम प्लांट की मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। तो जैसे हमने एनिमल में देखे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स में कुछ उसी तरह के ही होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमको पता है प्लांट मोस्टली क्या होता है, स्वपोषी पोषण स्टोर करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें स्वपोषी पोषण के अलावा दूसरे मेथड भी होता है। जैसे मशरूम का नाम देखते हैं मृतोपजीवी में आता है, लाइकेन की बात करते हैं सहजीवी में आता है, अमरबेल की बात करते हैं तो अमरबेल जो परजीवी में आता है, इसी तरह से कीट भक्षी पादप की बात करते हैं तो ये इंसेक्टिवरस में आता है, या कीट भक्षी पोषण मतलब वही भक्षण वाला परजीवी आता है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं अलग अलग टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी होता है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो शैवाल के साथ सहजीवी, मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअल में सहजीवी पोषण का है। तो सहजीवी में हम प्लांट से रिलेटेड एक ही एग्जांपल फेमस दिया रहता है, वो है लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और क्या होता है, एल्गी होता है, मतलब एल्गी और फंजाई, मतलब शैवाल और कवक होता है। ऑप्शन में कवक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है। अब यहां से अगर आगे की बात करते हैं तो एक स्पेशल रूट होता है, रूट का नाम है कोरोलाइड रूट नाम होता है, ठीक है, क्या नाम है, कोरोलाइड रूट। ये जो कोरोलाइड रूट होता है इसमें क्या होता है, एल्गी जो रहता है ये क्या होता है, साइकस के जो रूट होता है, जड़ होता है, इसके साथ क्या करता है, सहजीवी जीवन यापन करता है। तो क्वेश्चन यही है, एल्गी जो है निम्न में से कौन सा शैवाल के साथ सहजीवी रूप से पाया जाता है, या जड़ वाला ही क्वेश्चन होगा इसमें, निम्न में से कौन सा जड़ होगा, रूट बोल सकते हैं, या किसका जड़ जो है वो सहजीवी यापन के रूप में पाया जाता है। तो याद रखना इसका आंसर एक्चुअल में क्या आता है, कोरोलाइड रूट आता है। कोरोलाइड रूट जो रहेगा इसमें क्या होता है, एल्गी शैवाल जो रहता है, साइकस जो रूट है इसके साथ सहजीवी रूप में रहता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता है निम्न में से कौन सा जड़ या पौधा है जो कवक के साथ सहजीवी जीवन यापन करता है, शैवाल के जगह अगर क्वेश्चन में क्या होता, कवक आता, तो कवक के लिए फिर आंसर आता है इसमें पाइनस आता है। पाइनस इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि इसकी जड़ के साथ क्या होता है, जो फंगस है सहजीवी यापन करता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, कवक मूल बोलते हैं। ये पढ़े होंगे जो सहजीवी में हम बात करते हैं माइकोराइजा, एक माइको मतलब फंगस होता है, तो ये इस तरह से सिंपल इसको याद रख सकते हैं, क्लियर है। ये एक प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड की अगर बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेल्विन केल्विन निम्न में से
निम्न में से किससे संबंधित है, मतलब कुछ ऑप्शन दिए रहेगा, इसमें हम लोगों को बताना है इसका संबंध या किस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसकी बात कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ दिया हुआ है इसमें डाइजेशन, या कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं इसका, हमको मेन कंटेंट से मतलब है। अब मेल्विन केल्विन, जैसा कि फोटोसिंथेसिस की जो हमने लेक्चर बनाए हैं या देखे हैं उसमें मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम बताया था इसके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो याद होगा मेल्विन केल्विन के लिए हमने बात की थी, इन्होंने C3 साइकिल दिया हुआ है, मतलब हम बात करते हैं जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म्स है या पाथवे जो है, ये पाथवे या मैकेनिज्म किसने दिया था, मेल्विन केल्विन ने दिया था। तो मेल्विन केल्विन जो है वो डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया था, डार्क रिएक्शन एक्चुअल में है फोटोसिंथेसिस का भाग, इसका मतलब इसका जो रिलेशन है ये किससे है, फोटोसिंथेसिस का, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस आएगा। अब हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है जो हमको पता रहता है, हम इसमें इतना जल्दबाजी करते हैं क्वेश्चन टिक लगाने में कि हम ऑप्शन पढ़ना ही भूल जाते हैं, और इस चीज का फायदा जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो उठाते हैं। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, मेल्विन केल्विन किससे संबंधित है, केल्विन का नाम हम जनरली सुने रहते हैं फोटोसिंथेसिस, हम क्वेश्चन इतने फास्ट से पढ़ते हैं कि हमको पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में फर्क ही नहीं दिखता है, जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन दिया है फोटोसिंथेसिस, फोटो और प्रोटीन, हम जब पढ़ते हैं तो हमको प्रोटीन भी क्या दिखता है, फोटो, और फिर हम टिक लगाते हैं फर्स्ट में, जब मॉडल आंसर आता है या जब हम क्वेश्चन मतलब एग्जाम हॉल से जब निकलते हैं, जब डिस्कशन करते हैं, तब समझ में आता है कि एक्चुअल में पहला ऑप्शन क्या था, प्रोटीन, और दूसरा ऑप्शन क्या था, फोटो था। तो मैं यही बोलूंगा कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया वर्ड में, तो वो इस तरह का मिस्टेक जनरली होता है, क्लियर है, तो केयरफुली रहिएगा। नेक्स्ट हम इससे, ये तो था जो अब दोनों मतलब फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अब कुछ एक्सपेक्टिंग है या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, तो देखिए इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन की, टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन में हम बात करते हैं, तो यहां पर होता है मनुष्य का दांत होता है, ये एक क्वेश्चन होगा, ऑप्शन जो रहेगा इसमें दिया रहेगा द्विबार दंती, इसके बाद दिया होगा समदंती, और दिया होगा गर्त दंती, ठीक है, दूसरा ऑप्शन मिलेगा द्विबार दंती, नेक्स्ट दिया होगा विषम दंती, विषम दंती, और नेक्स्ट लिख दिया रहेगा पार्श्व दंती दिया होगा, तीसरा ऑप्शन में हम बात करते हैं इसमें दिया रहता है एक बार दंती, विषम दंती, और इसमें दिया रहेगा कौन सा गर्द दंती दिया रहेगा, लास्ट ऑप्शन मिलेगा, लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, लास्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसमें मिलेगा द्विबार दंती, इस द्विबार के बाद रहेगा विषम दंती, और लास्ट रहेगा कौन सा गर्द दंती, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, जैसा कि हम बात करते हैं मनुष्य की दांत के लिए, तो मनुष्य का दांत जो रहता है उसके जीवन काल में दो बार आता है,
पहले वाला जो दांत रहता है वो क्या है, कुछ समय के लिए रहता है, जनरली हम बात करते हैं 4-5 साल तक की, 5-6 साल तक की बोलते हैं। इसके बाद ये क्या है, धीरे धीरे रिप्लेस होना चालू हो जाता है। तो जो पहले दांत रहता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ जो रहता है, फिर ये क्या होता है धीरे धीरे रिप्लेस होकर परमानेंट टीथ में परिवर्तित हो जाता है, दूध के दांत और स्थायी दांत बोलते हैं। तो चूंकि ये दो बार आ रहा है इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं द्विबार्धंती। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पहला जो वर्ड है इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, द्वि बार आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कुछ जो रहते हैं वो डेढ़ होशियार लोग आंसर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अगर तीन ऑप्शन एक जैसे दिख रहा है इसका मतलब ये तीन नहीं होगा, पहला यही वाला दिख रहा है अलग मतलब ये हो सकता है, ऐसा भी रहते हैं। तो हमको ये इस तरह का तुक्का नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं इन तीनों में से, इतना तो कंफर्म है कि पहला वर्ड जो हम यूज करते हैं टिथ के लिए वो है द्विबार्धंती। दूसरा हम बात करते हैं अब इसमें समदंती, विषमदंती, विषमदंती, ये इस तरह से तीन वर्ड दिया है। तो हमको पता है हमारी जो टीथ है, दांत है, इसका शेप क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। चूंकि इसकी आकार भिन्न भिन्न है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विषमदंती। इसका मतलब अब हम तीन वर्ड देखेंगे, विषम विषम विषम, ये तीन हो सकते हैं, पर ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया है, ये समदंती ये भी नहीं हो सकते, मतलब ये भी कट गया। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की। तो लास्ट वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो टीथ हमको पता है हमारा जो दांत होता है जबड़े के अंदर क्या होता है, धसा हुआ रहता है, इनबिडेड होता है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गर्त दंती वर्ड। गर्त दंती हम बात कर रहे हैं इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, पर ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए हैं, इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो कौन सा आएगा, फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ एक नया वर्ड हम लोग देख रहे हैं पार्श्वदंती। पार्श्वदंती मतलब बोलते हैं लेटरल टीथ जो है, जो जैसे स्नेक का होता है, सांप में इसका दांत जो रहता है ये बाहर की ओर जो रहता है उसके लिए, जैसे वो जो इस तरह से ऐसा काटने के लिए, बाइट करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या होता है जबड़े के बाहर रहता है, वो जस्ट अटैच रहता है, बट वो जबकि वहां पर वो धसे हुए नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो डाइजेशन से रिलेटेड और दो तीन क्वेश्चन, जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन माउथ, स्टोमक, फेरिंग्स और यहां पर इंटेस्टाइन दे सकता है, ये इस तरह से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ए बी सी और ये डी, एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं सेम इसी तरह से रहेगा, ये है प्रोटीन का डाइजेशन आरंभ होता है, ये इस तरह से। तो इसके लिए फिर से हम बात कर रहे हैं ऑप्शन वही सेम दे सकते हैं, माउथ या बकल कैविटी, ओरल कैविटी, दूसरा स्टोमक, तीसरा हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और फोर्थ हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये इस तरह से। तो देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग सेम जैसे है, बस इसमें डिफरेंस है वो है मटेरियल का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या पाचन प्रारंभ होता है, तो हमको पता है कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है, बकल कैविटी, मुख गुहा से। अब मुख गुहा या मुख सेमी है, तो ये इस तरह से यहां पर जो आंसर तुम लोगों को लेना है वो क्या लेना है, माउथ का लेना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब अगर इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहे तो क्वेश्चन ये देगा कार्बोहाइड्रेट का जो संपूर्ण पाचन है ये कहां पर होता है। तो याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहला दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ कहां होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन मतलब पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये क्या दिया, पूर्ण रूप से पाचन दिया, तो यहां पर फिर आंसर क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइन। इसमें भी स्पेशली हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, याद रखिएगा। सेकेंड इसी तरह से हम बात करते हैं प्रोटीन से रिलेटेड,
प्रोटीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रोटीन का पाचन कहां से आरंभ होता है, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है। तो यहां पर भी हम बात कर सकते हैं अगर आरंभ की, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो आरंभ कहां पर होता है, इसका आरंभ होता है ये स्टोमक से, अमाशय से, और कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहां पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो है ये होता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पर हम चूंकि आरंभ वर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए आरंभ कहां पर होगा, स्टोमक में होगा। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं अगर यही क्वेश्चन, इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक और क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन जो है वो किसके लिए है, फैट का है। तो फैट या वसा की बात करें तो वसा का जो डाइजेशन पाचन जो है ये कहां पर स्टार्ट होता है, तो इसका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है डियोडिनम, ग्रहणी वाले भाग में। और अगर इसका हम कंप्लीट डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, मतलब छोटी आंत वाले भाग में होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप के क्वेश्चन को दो तीन तरह के ट्विस्ट कर सकते हैं, तो हमको ये कंटेंट याद तो होता है बट क्वेश्चन की जो ट्विस्टिंग है इस पे भी फोकस करना है या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा है तब भी हमारा आंसर या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको आंसर ये लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद ये तो हो गया इसके जो मटेरियल है इससे रिलेटेड, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लैंड से रिलेटेड आता है। तो देखिए ग्लैंड से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की। अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है पैनक्रियास, दूसरा ऑप्शन हम बात कर रहे हैं लीवर, तीसरा हम बात कर रहे हैं ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड, या गैस्ट्रिक ग्लैंड ना देकर क्या करता है, स्टोमक दे देता है क्योंकि इसके अंदर होता है, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है पैरोटिड, ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये है लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है। तो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबको पता है इसमें कौन सा आता है, लीवर आता है, यकृत आता है, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये करेक्ट आंसर है, यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि है। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्टिंग कैसे होगा, ये क्वेश्चन दिया मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर ये ट्विस्ट किया तो यहां पर लार्जेस्ट ना करके क्या देगा, सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि अगर पूछा तो यकृत आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहा तो वो बड़ी ना देकर क्या देगा, हमारे शरीर में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है। तो जो दूसरी वाला वर्ड है जनरली हम लोग उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, हम लास्ट का वर्ड देखते हैं सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि। तो याद रखिएगा अगर सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहा है तो सेकेंड लार्जेस्ट में कौन सा आंसर आएगा, पैनक्रियास आएगा, ठीक है। अगर लार्जेस्ट दिया हुआ है तो लीवर, सेकेंड लार्जेस्ट दिया हुआ है तो पैनक्रियास आएगा। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट कर सकता है, यहां पर ये सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि ना देकर वो अगर ये पूछ रहा है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि की अगर वो क्वेश्चन कर रहा है इसका मतलब वो किसकी क्वेश्चन कर रहा है, पैरोटिड की कर रहा है, ठीक है। पैरोटिड जो रहता है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। और अगर सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी लार ग्रंथि जो होता है वो कौन सा होता है, सब लिंगुअल होता है, ठीक है। सब लिंगुअल हमारे शरीर की सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। एक क्वेश्चन जैसे कि मैं बात किया स्लाइवा से रिलेटेड है, तो एक क्वेश्चन हम पीएच से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन में आता है, एक तो यहां पर याद रखिएगा स्लाइवा का पीएच याद रखना है, स्लाइवा के बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हम बात कर रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस की, पैनक्रियाटिक जूस के बाद हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो है बाइल जूस की। तो सभी की तुम लोगों को पीएच याद रखना है, स्लाइवा का पीएच याद रखिएगा, इसका पीएच एक्चुअल में 6-7 दिया रहता है लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करते हैं 6.7 आएगा। क्लियर है।
गैस्ट्रिक जूस की अगर पीएच दिया रहेगा तो इसकी पीएच 1.5 to 3.5, ये इसका रेंज रहता है, जबकि एक्चुअल हम बात करते हैं यहां पर 2.5 के आसपास लेते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें, इसकी पीएच जो रहेगा ये हम बात करते हैं 7 to 8.3 के आसपास लेते हैं, और इसकी हम बात करते हैं 7 to 7.8 या फिर यहां पर भी 7 to 8 दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो रहता है एल्केलाइन के लिए है, और ये जो है स्लाइटली एसिडिक, और ये जो है हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ये हल्का सा अम्ली होगा, ये अत्यधिक अम्ली होगा, और ये कैसा होता है क्षारी होता है, एल्केलाइन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पीएच से रिलेटेड, जो कि इसमें डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं इनको रख के ये याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन जो रहता है, एक क्वेश्चन इसमें से ये भी आ सकता है कि आहार नाल की सबसे बड़ी भाग कौन सा है। तो हम बात करते हैं आहार नाल की सबसे लंबी भाग। अब लंबी भाग के लिए दो क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए कैसे, अगर ये दिया हुआ है ग्रास नली, ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रास नली, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आमाशय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है छोटी आंत, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बड़ी आंत। अब अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत इजी है, इसमें हम लोग सिंपल सॉल्व बता सकते हैं कि एक्चुअल में आहार नाल का जो सबसे बड़ी पार्ट है हमको भी पता है इसमें क्या आएगा, छोटी आंत आएगा। तो ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बना सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आहार नाल की सबसे लंबी भाग है और इसमें ऑप्शन ये देता है, ऑप्शन में दिया हुआ है डियोडिनम, दूसरा दिया हुआ है जिजेनम, तीसरा दिया हुआ है इलियम, और चौथा दिया हुआ है कोलन, ये पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रहणी, इसके बाद दिया हुआ है अग्र, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, और कोलन को कोलन ही बोलते हैं, वैसे कुछ ज्यादा ही हिंदी हो रहा है जिजेनम और इलियम के लिए, जनरली हम यही वर्ड यूज करते हैं, बट हिंदी में इसको क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन जो है यही क्वेश्चन है आहार नाल की सबसे लंबी भाग, और ऑप्शन में हमको दिया हुआ है डियोडिनम, जिजेनम, इलियम और कोलन दिया हुआ है, तब यहां पर आंसर जो आएगा करेक्ट आंसर आता है इलियम। इलियम की जो लेंथ होता है 5.5 mm के आसपास, मीटर के आसपास होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है जो आहार नाल से रिलेटेड आ सकते हैं। इसी तरह से अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जो क्वेश्चन है ये बात आ सकते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पदार्थ का पौधे उत्सर्जन करते हैं, इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं।